हेलो एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो फ्रेंड्स। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाला हूँ ऐसे 6 यंग टैलेंटेड प्लेयर्स की जिनको अभी तक मौका नहीं मिला आईपीएल 2022 में, लेकिन मुझे लगता है कि इनको जल्दी मौका मिलने वाला वो दिन दूर नहीं है कि ये धमाका मचाने वाले हैं आने वाले आईपीएल के मैचेस में, आईपीएल 2022 के मैचेस में, क्रिकेट में ये धमाका मचाने वाले हैं फ्यूचर में क्रिकेट के। दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना, और अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको लेटेस्ट क्रिकेट अपडेट्स फटाफट से मिलती रहेंगी, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कर सकते हैं। और ऐप पर जाकर भी आप सर्च कर सकते हैं टैंगो क्रिकेट, आपको वो चैनल मिल जाएगा, तो ज्वाइन कर लें। तो सबसे पहला जो कि नाम आता है डिवॉल्ड ब्रेविस, जो कि साउथ अफ्रीका के डिवॉल्ड ब्रेविस, मुंबई इंडियंस ने इनको खरीदा है। अभी ये बने हुए मुंबई इंडियंस के खेमे में तो जल्दी मुझे लगता है कि चांस मिलने वाला, क्योंकि बैटिंग अच्छा नहीं कर पा रही मुंबई इंडियंस की टीम, स्पेशली मिडल ऑर्डर में, तो डिवॉल्ड ब्रेविस को मुझे लगता है कि चांस मिलने वाला। अगर सूर्य कुमार यादव नहीं खेलते तो इनकी ओर रुख करना पड़ेगा, बेबी एबी के नाम से जाना जाता है इनको, अंडर 19 में टॉप स्कोरर थे ये। तो अगर हम बात करें यश धूल की, दूसरे नंबर पर यश धूल जो कि दिल्ली कैपिटल्स की टीम में बने हुए हैं, टीम इंडिया के विनिंग कैप्टन अंडर 19 के, तो मुझे लगता है कि वो दिन दूर नहीं है कि मनदीप सिंह की जगह ये खेल सकते हैं तीसरे नंबर पर। वो भी खासा अच्छा नहीं कर रही दिल्ली कैपिटल्स की टीम बैटिंग में, हालांकि बॉलिंग बहुत ही अच्छी है उनकी। अगर मैं बात करूँ तीसरे नंबर पर वो है राजवर्धन हंगर गेकर, चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने इनको खरीदा, अंडर 19 के ऑलराउंडर हैं। दरअसल इनको भी मौका मिल सकता है, मुझे लगता है कि जल्द इनको मौका मिलने वाला हंगर गेकर को। चेन्नई की टीम बॉलिंग तो अच्छा कर रही है लेकिन बैटिंग में अब दिक्कत आ रही है उनको, तो मुझे लगता है कि फंस चुकी है अब चेन्नई सुपर किंग्स की टीम। अगर मैं बात करूँ चौथे नंबर पर तो कार्तिक त्यागी, एसआरएच की टीम ने इनको खरीदा है। कार्तिक त्यागी की बात करूँ तो इनको थोड़े सा चांस इनका थोड़ा दूर है, क्योंकि बॉलिंग तो अच्छी कर रही है हैदराबाद की टीम, लेकिन मुझे लगता है कि डेथ ओवर्स में सिर्फ नटराजन को छोड़कर और कोई गेंदबाज अच्छा नहीं कर पा रहा, तो मुझे लगता है कि इनको रुख करना पड़ेगा। इनके पास पेस भी है और साथ ही साथ स्विंग भी है, पेस प्लस स्विंग है इनके पास, तो डेथ ओवर्स में अच्छे गेंदबाज है कार्तिक त्यागी को मौका मिल सकता है। अगर मैं बात करूँ तो पाँचवें नंबर मयंक मारकंडे, मयंक मारकंडे हर बार जो कि पिछले 2-3 सालों से ये क्रिकेट ज़्यादा नहीं खेल रहे, मैचेस ज़्यादा इन्होंने नहीं खेले हैं, लेकिन ये यंग टैलेंट है, मुझे लगता है कि ये मिस्ट्री स्पिन गेंदबाज, रियल मिस्ट्री स्पिन गेंदबाज यही है जो कि मुझे लगता है, और मुंबई इंडियंस की टीम इनको जल्दी चांस देने वाली है। अगर मैं बात करूँ छःवें नंबर पर आखिरी नाम सरफराज खान, सरफराज खान तो मैं वैसे कहूँ तो एक्सपीरियंस्ड खिलाड़ी हैं, वैसे यंग हैं, ये काफ़ी देर से आईपीएल खेल रहे लेकिन इनको मौके प्रॉपर नहीं मिल पा रहे, इन्होंने डोमेस्टिक में काफ़ी अच्छा किया है, तो इसके कारण मुझे लगता है कि इनको मौका मिलने वाला दिल्ली कैपिटल्स की टीम की तरफ से। तो दोस्तों ये थे 6 खिलाड़ी जो कि मुझे लगता है कि यंग टैलेंटेड प्लेयर्स जो कि धमाका करने वाले और मौका इनको मिलने वाला है। आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आपके मुताबिक सबसे ज़्यादा जो कि एक्साइटिंग टैलेंट कौन सा है, यंग एक्साइटिंग टैलेंट कौन सा है आईपीएल 2022 में सभी टीमों के स्क्वाड में से। दोस्तों ये थी आज की वीडियो, लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ये भी कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।